सो गाइस, सबसे ऊपर जो पहला वर्ड है वो है आप लोग का ड्यूड। ड्यूड का मतलब होता है छैला या फ्रेंड्स बाका। और आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे, यानी कि हम डी के शुरू में बताए थे, डी ए एन डी वाई। डैंडी का मतलब होता है फ्रेंड छैला या बाका, और ड्यूड का मतलब भी होता है आप लोग का छैला या बाका। ओके, चलिए फ्रेंड्स दूसरे वर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर पहला वर्ड तो हो गया आप लोग का, दूसरा वर्ड है डजन। डजन का मतलब होता है क्रोध या फ्रेंड्स ईर्ष्या। ओके, DUDGEON। देखिए यहाँ पर ड्यूअल का मतलब होता है कुश्ती या द्वंद युद्ध। ओके, DUEL। ड्यूअलिस्ट का मतलब होता है कुश्तीबाज या फ्रेंड्स पहलवान। यहाँ पर आप लोग कामा लगा कर लिख सकते हैं, पहलवान या कुश्तीबाज, DUELLIST। ड्यूएट का मतलब होता है युगल गान, जैसे कि दो आदमियों के मिलकर गाए गाने की गीत को युगल गान। ठीक है, तो ड्यूएट का मतलब युगल गान, मतलब कि दो आदमियों के मिलकर गाने की गीत। और डफ तो आप लोग जानते ही हैं, डफ का मतलब होता है खुथा हुआ आटा। ओके, DUFF। और इसी वर्ड में हम लोग ER जोड़ देंगे तो डफर हो जाएगा। डफर का मतलब होता है निकम्मा व्यक्ति। ओके, DUFFER, डफर का मतलब निकम्मा व्यक्ति। चलिए फ्रेंड्स एक बार और रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को पूरा आ जाए। यहाँ पर सबसे ऊपर जो पहला वर्ड है फ्रेंड्स वो है आप लोग का ड्यूड, मतलब कि छैला। और डजन का मतलब बताया है क्रोध या ईर्ष्या। ड्यूअल का मतलब होता है कुश्ती या द्वंद्व युद्ध। ड्यूअलिस्ट का मतलब होता है कुश्तीबाज या पहलवान। ड्यूएट का मतलब बताया है युगल गान, यानी कि दो आदमियों के मिलकर गाने की गीत। डफ का मतलब बताया है गुथा हुआ आटा। डफर का मतलब होगा निकम्मा व्यक्ति। चलिए फ्रेंड्स आगे मिलते हैं आप लोगों से 7 नए वर्ड लेकर के डी सीरीज का 219 में। नमस्कार।